नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डेरिवेटिव्स एक्सपायरी अप्रैल की इस हफ्ते होने वाली है। ये हफ्ता काफी क्रूशल रहेगा। पिछले 4-5 महीनों की एक्सपायरी हफ्ता एक अलग किस्म का एक रुझान देखने को मिल रहा है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस रुझान के दरमियान आपको क्या करना चाहिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं दोस्तों, ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन बनती नजर आएगी आते महीनों के लिए। इस लाइन को टेस्ट करने के बाद हमने काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। और अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग लगभग 17,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे की कंसिस्टेंटली 1-2 दिनों की क्लोजिंग मार्केट को थोड़ा सा वीकनेस का दर्जा ज़्यादा देते नजर आ जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि 17,000 बहुत ही क्रूशल लेवल है। और दूसरा जो इमीडिएट बॉटम था 5 दिन पहले, 4 दिन पहले जो लगाया था 16,800, मैं राउंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ। सो 17,000, 16,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन रहेगा। इसके नीचे की क्लोजिंग शॉर्ट टर्म के लिए काफी खतरनाक होगी बुल्स के लिए, लाभदायक होगी बेयर्स के लिए। पर अभी के लिए क्या करना चाहिए, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और हमारा जो पीसीआर है वो हमें थोड़ा सा बायस न्यूट्रल से नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो पीसीआर जितना जाना चाहिए उतना जाता नहीं है, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है तो बहुत नीचे आना चालू हो जाता है। तो बायस थोड़ा सा नेगेटिव है, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं। मैं नेगेटिव हूंगा अगर 17,000 के नीचे, 16,800 के नीचे लगातार हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो बहुत बड़े डाउनसाइड खुलते नजर आ जाने चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से हमने ये टॉप बनाया, इसका लोअर टॉप है, ये इसका लोअर टॉप है, हमने हायर टॉप्स नहीं बनाए। ये एक हमें रिलीफ रैली मिली थी इधर से इधर तक, ओके, लगभग 16,400 से लेके 18,200 तक। इस बार हमने नया लो बनाया 15,600 के आसपास, और उधर से 18,100 की रैली हमें रिलीफ रैली देखने को मिली। तो बायस थोड़ा सा स्क्यूड है, पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, अगर हम इस एक्सपायरी वीक में अगर 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग मेंटेन करते हैं ग्लोबल सेल ऑफ के बावजूद, तो फिर मेरा थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर झुकता नजर आ जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए 17,000, 16,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम ऑप्शन चेन डेटा भी देखने वाले हैं उधर से क्या संकेत आ रहे हैं। और ऑन द हायर साइड ये जो स्विंग टॉप बना है, ये जो 3 दिन का ये जो फॉल आया, इसका स्विंग टॉप आया वो लगभग 17,400 है। ये जब तक निकलता नहीं है ऑन द हायर साइड, 17,400 का ब्रेकआउट नहीं आता है, यानी इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती या इसके ऊपर की मूव नहीं आती, तब तक के लिए मैं न्यूट्रल से नेगेटिव, नेगेटिव से न्यूट्रल इस व्यू से बनता नजर आ जा आना ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न कह रहे हैं। तो 17,400 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्रूशल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जब जाएंगे तब हमें बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमें 17,800, 18,000 तक की रैली देखने को मिलेगी। पर अभी के लिए मेरा स्टांस न्यूट्रल है। 17,000 के नीचे थोड़ा सा नेगेटिव बायस चालू हो जाएगा, 16,800 के नीचे एग्रेसिवली शॉर्ट्स की पोजिशन बनाने की सलाह होगी, और ऑन द हायर साइड 17,400 इंपॉर्टेंट हर्डल। अभी हम आते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे, जहां पे उधर से क्या संकेत मिल रहा है ये देखेंगे। ये रहा ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का, इसी एक्सपायरी का है, ओके, 20 अप्रैल एक्सपायरी का हम देख रहे हैं, इधर दिख रहा है वो। और हम आते हैं कल की क्लोजिंग के आसपास, ओके। सबसे बड़ा ओआई 17,400 है, पहला 1 लाख शेयर्स, इधर 1,12,000, और इधर 1 लाख में से 50,000 हमने शुक्रवार के दिन में बढ़ते नजर आए। इसका मतलब है 50% शॉर्ट पोजीशंस फ्राइडे के दिन बनती नजर आ गई। तो
तो मेरा मानना है 17,400 टेक्निकली भी स्विंग टॉप है, एट द सेम टाइम सबसे बड़ा हुआ है। ये निकलने के बाद अगर ये निकलते हैं हम 17,400 ऑन द हायर साइड, तो ये जो शॉर्ट्स है ये ट्रैप होते नजर आएंगे और हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। पर जब तक 17,400 क्रॉस नहीं होता, मैं बुलिश बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ऑन द लोअर साइड जैसे मैंने कहा 17,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकल और डेरिवेटिव के हिसाब से। इधर भी 1 लाख शेयर्स है, नीचे में ऐसा बड़ा कोई फिगर नहीं है, पर अगर 17,000 निकल जाता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा ड्रिफ्ट ऑन द साउथ साइड देखने को मिल सकता है। तो हम काफी नजदीक है 17,000 के, 150-200 पॉइंट है, तो वो तो आजकल एक दिन में आ सकते हैं। पर अगर वो लेवल्स आते हैं तो जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनको ये सलाह रहेगी थोड़ा सा रिस्क लेके आप 17,000 के आसपास बाय करो, थोड़ा सा डिप आएगा और बाय करो और एक पुल बैक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा व्यू ऑन द निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी पे व्यू लेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इधर से तो एकदम से जोर से नीचे नीचे की तरफ घूमा। ये जो अपमूव आई थी वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के मर्जर के वजह से थी, और जो अभी जो मूव आ रही है वो बिल्कुल जहां से एचडीएफसी की न्यूज आई थी उन्हीं लेवल्स पे हम वापस है, बल्कि हम उसके नीचे थोड़े से ट्रेंड होते नजर आ रहे हैं। तो इधर का अगर डेटा देखते हैं तो 36,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल भी है टेक्निकल भी है। और अगर 36,000 निकल जाता है तो मैं मानता हूँ 35,000 के लेवल्स खुलते नजर आएंगे। तो 36,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 37,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये निकल जाए तो इधर के पिछले 1, 2, 3, 4, 5 दिन की जो मंदी है वो पूरी की पूरी खा लेगी और उधर से हम वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते नजर आएंगे 38,000 38,500 के नजदीक। तो व्यू एकदम क्लियर है, 36,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर 37,000 निकलता है तो 38,000 38,500। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, प्लीज नोट के डाउन कीजिएगा। आपको उन लेवल्स पे ध्यान देते हुए, और ये स्पॉट लेवल्स है, अगर ये स्पॉट लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो आपको उधर एक्शन लेनी है। छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। ओके, अभी हम आते हैं सेक्टर्स पे। तो मैंने सेक्टर्स देखे हैं तो जो हाईलाइट करने जैसे सेक्टर्स है उस पर ही ध्यान देंगे। निफ्टी आईटी के ऊपर ध्यान देंगे। देखिए काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी, मेरा ये मानना था कि ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ा कंसर्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। आईटी सेक्टर एक सरप्राइजिंगली नेगेटिव मूव देखने को मिली, और जिस तरीके से हमने डाउन मूव देखी है, अगर हम ये पूरे हाईज के लोज सॉरी ये अप मूव के लोज जो है फर्स्ट अप लो फर्स्ट लो सेकेंड लो थर्ड लो इसके ऊपर ट्रेंड लाइन ज्वाइन करते हैं तो हम लगभग लगभग अभी ये मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो निकाल लेता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं रहे, वो पुरानी ट्रेंड लाइन थी। तो ये जो सपोर्ट लाइन है इसके बिल्कुल नज़दीक है, तो हमें थोड़ा सा आईटी सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है करंट लेवल से। अगर ये होता है तो ये निफ्टी के लिए थोड़ा सा मददगार हो सकता है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी के सॉरी आईटी के स्टॉक्स आपको देखने चाहिए। अगर उसमें दिन भर मोमेंटम देखने को मिलता है तो वहां पे आपको थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लार्ज कैप स्मॉल कैप बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नजदीक आ गए। जो ट्रेडिशनली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नजदीक है, उधर से अगर बाउंस बैक मिलता है तो काफी बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी। डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए बहुत अच्छा है छोटे से रिस्क के लिए, क्योंकि जब हम सपोर्ट्स पे बाय करते हैं तो सपोर्ट्स के नीचे बहुत नज़दीक वाला स्टॉप लॉस होता है, जब हम रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर होता है, क्योंकि हमने पहले से ही एक अप मूव काफ़ी बड़ी देखी हुई होती है। तो अभी रिस्क कम है आईटी सेक्टर्स में, आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक्स ढूंढने के लिए। दूसरा, हमेशा की तरह मैंने जो कहा निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स, अभी भी मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी दमखम देखने को मिल रहा है। इधर से ज़्यादा ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है इन स्टॉक्स में, पर थोड़ा सा अगर ड्रिफ्ट करते हैं थोड़ा सा
टाइम करेक्शन होता है, तो मेरा मानना है कि इसमें और अच्छी मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले से ही दौड़ चुका है 25,500 से लेके लगभग 29,000। इतने बड़े मूव के बाद, इतने बड़े रन के बाद थोड़ा सा ब्रीदर लेना इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रीदर हो जाता है तो इधर से आप मूव देखने को मिलेगी। तो पावर स्टॉक्स में, एनर्जी स्टॉक्स में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करनी है, उसमें बिकवाली नहीं करनी है। नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं और लॉस वाले स्टॉक्स रखते हैं, तो ये नहीं करना है। अभी एनर्जी वाले स्टॉक्स है उनको होल्ड करने की सलाह है। इधर से और अपसाइड आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तीसरा जो स्टॉक सेक्टर है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए वो है ऑटो। देखिए दोस्तों, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में जो हमने ये अपमूव आई, करेक्शन आया, वापस एक बार अपमूव आई, करेक्शन आ गया और वापस एक बार अपमूव आ रही है, तो जो ये लेवल इसने क्रॉस किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछला स्विंग टॉप है और इधर से मुझे लगता है इवेंचुअली हम ये ट्रेंड लाइन की ओर चलते नज़र आ जाने चाहिए। तो स्टॉक ऑटो वाले स्टॉक्स जहाँ पे बड़े ब्रेकआउट्स आएंगे वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, और दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना है, निफ्टी कमोडिटी। देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमने ये ब्रेकआउट देखा था उधर से काफ़ी बड़ी अपसाइड और इधर से हम साइडवेज जा रहे हैं, ब्रीदर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बार ब्रीदर हो जाए और फिर वापस एक बार अप मूव जब आएगी तब एक बड़ा ब्रेकआउट आपको आते दिनों में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आपका जो इधर से अप मूव है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने की संभावना कमोडिटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो इधर से स्टॉक्स ढूंढिए कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहा है। लास्ट सेक्टर जहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी हमने ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लिया, ब्रीदर ले रहे हैं और जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगी मुझे लगता है कि इवेंचुअली हम वापस एक बार 7,600 की ओर चलते नजर आएंगे। तो इधर भी 500 पॉइंट की रैली अभी भी पॉसिबल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव आ रहा है, मेरा मानना है कि कंज्यूमर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। ये रहा आपका सेक्टर स्पेसिफिक। अभी हम आते हैं पीसीआर पे। ओके, पीसीआर का डेटा अगर देखते हैं तो पीसीआर की मैं जो बात कर रहा था, ये देखिए आजकल ओवर बॉट जो सिनेरियो है वो लगभग 1.4 के आसपास ही आ रहा है। नॉर्मली बुल मार्केट में हम 1.6 1.8 तक जाते नजर आ रहे थे और थोड़ी सी भी गिरावट आ गई तो हम इमीडिएटली 0.7 तक आ जाते हैं। तो मेरा अभी मानना है कि अगर 0.7 के आसपास आता है, 17,000 के आसपास, 16,800 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और उस दरमियान अगर पीसीआर 0.7 के आसपास है तो एक पुल बैक 200-300 पॉइंट के रैली के लिए आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। आपको 1.3 1.4 के आसपास आए उधर एक बार बिकवाली करने की सलाह है, क्योंकि हम ब्रॉडर रेंज में हम लोअर टॉप लोअर बॉटम करते नजर आ रहे हैं। एक बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएंगे हम तो फिर हम 1.6 1.7 1.8 ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर बेस हमें बिल्कुल 0.7 और 0.65 ये अगर मिलता है तो हमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। उधर से आपको अप मूव बिल्कुल देखने को मिलेगी, पर ये रहा पोजिशनल के हिसाब से। अभी हम आते हैं कमोडिटी स्टॉक्स पे। कमोडिटीज में अगर हम देखते हैं क्रूड, क्रूड का अगर चार्ट देखते हैं तो हम अभी के लिए एकदम साइडवेज ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। मेरा अभी क्रूड पे कोई व्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि मिडवे है, हमने ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स देखे और उसके बाद जो अपमूव आई थी उसके बीचों बीच हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो आइदर ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस निकलने चाहिए या ये सपोर्ट्स टूटने चाहिए, उसके बाद ही एक मीनिंगफुल और काफ़ी परसेंटेज वाइज रिटर्न देने वाली मूव हमें देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए मैं क्रूड से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगातार रिस्क अवर्स के वजह से और इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़ने की संभावना बनती नजर आ रही है डाउ जोन्स के यहाँ, और डाउ जोन्स का भी चार्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ,
तो उसके चलते अच्छी खासी अपमूव हमें बीच में देखने को मिली, 53,500 तक गए और उधर से थोड़ी सी करेक्टिव रैली देखने को मिली। मुझे लगता है कि गोल्ड इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा, डाउनसाइड लिमिटेड है और हाई ऊपर में जाने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। सिल्वर की बात करें तो वहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, वही सिनेरियो है। 66,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वो अगर टूटता है तो ही हम 64,000 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर इवेंचुअली मुझे लगता है वापस एक बार 70,000 के आसपास के लेवल्स आपको सिल्वर में भी देखने को मिलेंगे। अभी हम वर्ल्ड मार्केट देखेंगे। वर्ल्ड मार्केट्स डाउ जोन्स परसों, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो इधर एक बहुत बड़ी शुक्रवार को गिरावट देखने मिली। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि सब लोग मान के चल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे पर 0.25 बेसिस पे बढ़ेंगे, पर कमेंट्री जो आई 0.5 की आई, तो ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। उसके वजह से ये बड़ी गिरावट हमने शुक्रवार के दिन को देखी। इससे हमारे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है? हमारे मार्केट्स में सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि ये जो मैंने लाल लकीर खींच के रखी है 33,600, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो ये एक ये अगर एरिया हम डिलीट कर देते हैं तो लगभग लगभग हम अगर ये डेट्स देखते हैं तो यानी ये लगभग 1 साल, 10 महीने, 10 महीने से ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे की क्लोजिंग एक्चुअली कंसर्न बनती नजर आएगी, तो मुझे लगता है कि ये ब्रीच नहीं हो जानी चाहिए। जिनको जिनको बेचना था वो बेच चुके हैं और इधर से वापस एक छोटी सी पुल बैक देखने को मिल सकती है, पर हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा 33,600 के आसपास डाउ जोन्स कैसे बिहेव करता है। अभी आते हैं हम रुपी डॉलर पे। अगर रुपी डॉलर का चार्ट देखते हैं तो हमें थोड़ा सा साइडवेज ही देखने को मिल रहा है। रुपी थोड़ा सा वीक होते नजर आ रहा है और उसके चलते हम वापस एक बार 77 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आए आ जाने चाहिए, पर इसके लिए ये जो स्विंग टॉप है 76,62, ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा तो हम 77 की ओर जाते नजर आएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि हम इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे। अगर 76 के नीचे चला जाता है तो और निफ्टी नहीं, रुपी में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो कि हमें 75, 50, 75 लेवल्स टेस्ट आते दिनों में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा रुपी पे व्यू। दोस्तों, ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है, आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपको जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको हमारे वेबसाइट पे जो मार्केट आउटलुक डेली है इसको रजिस्टर करना चाहिए। एक्सपायरी वाले वीक में बहुत उठक पटक देखने को मिलती है, तो ये फ्री रजिस्ट्रेशन करके हर रोज के लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ ट्विटर नहीं, टेलीग्राम चैनल को आपको लिंक होना चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी रहती है, जैसे पिछले हफ्ते एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें, हमने निफ्टी पे कॉल दिया यानी फ्यूचर्स बाय करने के लिए कहा, अच्छी खासी प्रॉफिट्स देखने को मिली, उधर से वापस निफ्टी ऊपर नहीं गया। ये हफ्ते में 1-2 बार ही कॉल्स आएंगे, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको आपको अगर ये कॉल्स चाहिए तो वो आपको इधर देखने को मिलेंगे। और डिलीवरी बेस्ड बाइंग अगर कुछ खास देखने को मिलेगा वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे आपको बताते हैं। स्ट्राइक रेट काफ़ी स्ट्रांग है, पीछे जाके देखिए हमने किस तरीके से रिकमेंडेशन दिए और उसका रिटर्न काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आप ये हफ्ता आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना है और आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।